नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। ये खबर उन लोगों के लिए है जो कि समय पर रिटर्न नहीं भरते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बजट में वित्त मंत्री ने ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अब आपको जुर्माना चुकाना होगा। इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई और कंपनियों के लिए ये समय सीमा 30 सितंबर होती है। और याद रखिए, इस तारीख के बाद और 31 दिसंबर से पहले आप आईटी रिटर्न भरेंगे तो आपको ₹5,000 जुर्माने के तौर पर लगेगा। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरने वालों को ₹10,000 जुर्माना देना होगा। ₹5,00,000 सालाना इनकम वालों पर सिर्फ ₹1,000 जुर्माना लगेगा। और ये प्रस्ताव 2017-18 के इनकम और 2018-19 के असेसमेंट ईयर से लागू होगा। यानी मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2018 के बाद आप हमेशा याद रखें कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही है। टैक्स लाइबिलिटी अगर किसी की नहीं बनती है तो उसको भी जुर्माना लगेगा। अगर किसी की टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती, पहले था कि 5,00,000 से नीचे कोई की टैक्स, तो अगर रिटर्न फाइल कर रहा है और टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो ₹1,000 लगेगा उसको। जीरो टैक्स पे भी बिल्कुल क्वेश्चन टैक्स से नहीं है, क्वेश्चन आयकर विवरणी से। अगर आपकी आयकर विवरणी जून तक फाइल करनी है और आप फाइल नहीं कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं कि आप फाइल करेंगे नहीं करेंगे, आएंगे हमारे दायरे में नहीं आएंगे। आईटीआर भरना मैंडेटरी हो गया है और समय पर भरना मैंडेटरी हो गया। समय पर सीबीडीटी चेयरमैन सुशील कुमार को अभी आप सुन रहे थे। लेकिन एक बात, दीपक उपाध्याय हमारे साथ न्यूज रूम से भी जुड़ गए हैं। दीपक, खुद जी मीडिया ने भी सीबीडीटी चेयरमैन सुशील कुमार से सवाल किया था कि जीरो टैक्स लायबिलिटी जिसकी है उसे भी जुर्माना लग जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, जुर्माना लगेगा। अब इसमें कुछ क्लैरिटियां एक समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इसका कन्फ्यूजन दूर हुआ है क्या, इससे क्या मायने? देखिए, जो ₹2,50,000 की पहली स्लैब है उससे लेके उससे नीचे वाले लोग जो हैं, जो टैक्स दायरे में आते ही नहीं हैं, वो अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करे तो कोई बात नहीं। लेकिन बाकी जो भी टैक्स दायरे में, बाकी इससे ऊपर जिनकी इनकम है, सैलरीड क्लास है, उनको, जिनको फॉर्म जो टैक्स का फॉर्म जो होता है 16A और B, जो जिनको ये मिलता है, उनको अपना रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, चाहे वो टैक्स दायरे में आए या नहीं आए। यानी कि अगर आप टैक्स दायरे में नहीं भी आते हैं और आपको रिटर्न फाइल करना होगा, जिनको 16A और B जो फॉर्म है, इनकम टैक्स फॉर्म जो कंपनी से मिलता है, वो आपको मिलता है, तो आपको ये दायर करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जो लोग अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे, बेशक वो दायरे में नहीं आ रहे थे, उनको भी अपना रिटर्न फाइल करना होगा। इससे दो बातें होंगी, जो लोग अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे लेकिन उनके अन्य रेवेन्यू सोर्सेज थे, या वो जो ख़रीदारी कर रहे थे, या जो दूसरे मेथड्स के जरिए वो एक्सपेंस कर रहे थे, उनका मिलान एक तरह से आईटी डिपार्टमेंट करेगा कि उन्होंने कितना खर्चा किया है और रिटर्न फाइल नहीं किया। तो हो सकता है आने वाले समय में, जिस तरह के नए नए डेटा माइनिंग करके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को नोटिस भेज रहा है, उसमें भी ये इंक्लूड किया जाएगा कि उन्होंने रिटर्न फाइल किया था नहीं किया था। तो इसलिए 31 जुलाई जो कट ऑफ डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, उस तक सभी को अपना रिटर्न फाइल करना होगा। दीपक, एक बात और समझना चाहेंगे, कहा गया है कि ये प्रस्ताव 2017-18 के इनकम और 2018-19 के असेसमेंट ईयर से लागू होगा। यानी मतलब साफ कि 1 अप्रैल 2018 के बाद ये मैंडेटरी हो जाएगा, तो अभी ये करना जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ क्या? देखिए, अभी भी करना जरूरी होता है लेकिन उस पर कोई फाइन नहीं है। फाइन नहीं, तो लेकिन जो नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जिनका असेसमेंट ईयर होगा, उनके लिए फाइन लगेगा। जी, बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी खबर पर और डिटेल में हमसे ये जानकारी बताने के लिए।